हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। ओके, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। आज हम बात करेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट 20 एलिमेंट, ये आपका पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर एट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेकंड में कितने होने चाहिए, थर्ड में कितने होने चाहिए एंड फोर्थ में कितने होने चाहिए, फिफ्थ में कैसे कितने होने चाहिए, इन सबको मैं बता रही हूँ। आपको फार्मूला बताया था टू एन स्क्वायर, जो ये रूल है किसने दिया था? बोर एंड बरे ने दिया था। ये आपको बताया गया टू एन स्क्वायर। अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल 1 है तो 2n स्क्वायर से जो है फर्स्ट में कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। अगर एनर्जी लेवल 2 है तो 2n स्क्वायर से जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा सेकंड सेल में? 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है निकाल सकते हैं। मैंने आपको कुछ जो है एग्जांपल भी सॉल्व करवाया था। अब उसी मेथड से आज हम जो है निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के लिए आपको बताया गया है कि आपको क्या जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है एटॉमिक नंबर कुछ जैसे 1 से लेके मैक्सिमम, आप अभी क्लास 9 में हो, मैक्सिमम 30 तक आप एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए और 30 तक एलिमेंट आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। 30 तक आपको एलिमेंट सीरियल से आपको लर्न होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये कितना हो गया? 30 हो गया। ये सीरियल से 30 तक है। अब आपको अगर सीरियल से लर्न होगा तो आपको एटॉमिक नंबर भी आपको याद हो जाएगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। बोरान का कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। बेरिलियम बोरान, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है निकालने के लिए हमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या है? हाइड्रोजन। फर्स्ट एलिमेंट का क्या नाम है? हाइड्रोजन है। और इसका जो सिंबल है क्या है? यस। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? यस है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो सबसे पहले हम किस सेल में हम राइट करेंगे? के सेल। तो जब के सेल, मैक्सिमम के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? 1 है। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो होता है सेकंड है, फर्स्ट है हाइड्रोजन, सेकंड है क्या? हीलियम, HELIUM, हीलियम। और हीलियम का जो सिंबल होता है क्या होता है? HE। और इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम क्या करेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि इसका 2 एटॉमिक नंबर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सेल में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। फर्स्ट सेल में कितना है? 2। अभी क्यों अभी देखिए आप मेजर सेल में क्यों नहीं रह गए? क्योंकि हम जानते हैं के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए अभी ये सेल नहीं कम्प्लीट हुआ के सेल। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट हो गया है। अब हम उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है, अब देखते हैं हम उसका कैसे निकालते हैं। जो थर्ड एलिमेंट है क्या है? लिथियम। ओके, लिथियम। और लिथियम का सिंबल कितना होता है? Li। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 3 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है?
थ्री होता है, ठीक है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर थ्री है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। टू क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम के में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू होने चाहिए, टू है, हम यहाँ पर थ्री नहीं ऐड कर सकते, ये नहीं कर यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका थ्री है, हम यहाँ पे थ्री लिख देंगे, नहीं अब ये नहीं होगा, ठीक है। अब फर्स्ट सेल में कितने लिखेंगे, टू लिखेंगे, अब बच कितना रहा, वन, क्योंकि यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे भी थ्री होना चाहिए, अब यहाँ पे टू हो गया, टू के सेल जो है कम्प्लीट हो गया, अब के सेल कम्प्लीट हो गया, मतलब टू से अधिक हम नहीं राइट कर सकते हैं, तो हम अब किस सेल में आएंगे, यल सेल में आएंगे, तो यल सेल में हम कितना बचा है जो राइट करने, कितना बचा है, वन बचा है, अब हम किस सेल में जो है वन यहाँ पे राइट कर देंगे, तो टू और वन कितना हो गया, थ्री हो गया, ठीक है, क्योंकि अब के सेल कम्प्लीट हो गया है, के सेल अब आपका यहाँ पे कम्प्लीट हो गया है, अब हम यल सेल में जो है मूव करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है फोर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम, और जो इसका सिंबल है क्या है, Be, बेरिलियम का सिंबल क्या है, Be, और इसका जो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, फोर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा फर्स्ट सेल में, टू, और सेकेंड सेल में कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, क्यों, अब सेकेंड सेल में टू हो गया, तो सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एट, ये आपको कल बताया गया था, इस सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एट इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम इसको एट तक कंप्लीट करते जाएंगे, टू और टू, उसके बाद फिर आगे टू और थ्री, टू और फोर, टू और फाइव, टू और सिक्स, टू और सेवन, टू और एट, एट तक तो हमें वही राइट करना है, क्योंकि जो सेकेंड सेल में यल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एट होने चाहिए, कम देखो कम आप राइट कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव, लेकिन आप एट से ज्यादा सेकेंड सेल में नाइन आप नहीं राइट कर पाओगे, कि टू और नाइन आप राइट करो, नहीं हो पाएगा, जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइव है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, क्या होगा, फाइव क्या है, बोरान, तो बोरान का सिंबल क्या होता है, बी होता है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है फाइव होगा, एटॉमिक नंबर बोरान फाइव, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू एंड थ्री, थ्री और टू फाइव हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखें टू से मैक्सिमम नहीं हो रहा है, टू से अधिक नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपको बताया गया फर्स्ट एनर्जी लेवल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे टू ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फाइव उसके बाद सिक्स क्या है, कार्बन, सिक्स क्या है, कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है सी, ठीक है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिक्स होता है, तो इसका हम क्या राइट करेंगे, टू एंड फोर, क्या राइट करेंगे, टू एंड फोर हम राइट करेंगे, तो फोर और टू कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है, यस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट केवल कार्बन के बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, यन होता है, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होगा, यन होगा, और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा कितना होगा, सेवन होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेवन होगा, तो अब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, टू राइट करेंगे, क्योंकि ये अभी टू फर्स्ट सेल क्या है, के सेल, के सेल में मैक्सिमम एट इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टू टू राइट करेंगे, और यहाँ पे क्या राइट करेंगे, फाइव राइट करेंगे, फाइव, और फाइव और टू कितना हो गया, सेवन हो गया, आप देख रहे हो कितना इजी है ये, कितना इजी है ये क्वेश्चन, कितना इजी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना 1 से लेकर 20 तक, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको जीवन भर नहीं भूलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बहुत ही इजी है, इतना इजी है क्लास 2 वालों को बता दिया जाएगा, क्लास 2 के स्टूडेंट को अगर बता दिया आ रहा होगा ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालने आप लोग 9 में पढ़ रहे हो, ठीक है, जिसको नहीं आएगा तो बहुत शर्म वाली बात है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको निकालने नहीं आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन, O H Y G E N, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, वी नीड ऑक्सीजन फॉर द ब्रीथिंग, वही जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O है, ठीक है, O उसका, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, और हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2N6 हो जाएगा, 2N6 हो जाएगा इसका ऑक्सीजन का। उसके बाद नेक्स्ट है 9, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और 9 क्या आता है आपका, क्लोरीन, 9 क्या आता है, क्लोरीन, क्लोरीन, हियर, हियर यू, ठीक है, क्लोरो, क्लोरीन, क्लोरीन,
आर आई है, आर आई एन, टोरिन, टोरिन का सिंबल होता है यार, और एटॉमिक नंबर होता है 9, एटॉमिक नंबर क्या होता है 9 होता है, और एटॉमिक कंफिगरेशन करेंगे क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो गया इसका क्लोरीन का। नेक्स्ट है 10, 10 जो एटॉमिक नंबर है, 10 कौन सा एलिमेंट है, नियॉन, 10 क्या है नियॉन, 10 N E O N, नियॉन, और नियॉन का जो सिंबल होता है क्या होता है Fe, और एटॉमिक नंबर होता है 10, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2 and 8, यहां पर राइट कर देते हैं नियॉन, नियॉन का क्या होगा 2 and 8, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2 and 8, 2 और 8, ये K सेल है, K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, और L सेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि L सेल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कि अब हम अगर आगे हमें राइट करना होगा एटॉमिक नंबर जिसका 11 है, 11 है, अब हम यहां पे 2 और 9 नहीं राइट करेंगे, क्यों, क्योंकि सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2n स्क्वायर्स के अंतर्गत जो है सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब हम उसके बाद जो है नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, ये आपका 10 तक क्लियर हो गया, 10 तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, 10 तक एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे आपको बताएंगे सोडियम से कैल्शियम का, मींस 11 to 20, 11 से 20 तक हम आपको बताएंगे, ठीक है, आप इसको राइट करते रहिए, समझते रहिए आपको कैसे करना है, जब उन्हें समझ में आए जितना निकाल के क्वेश्चन आप पूछिए, ठीक है। आगे उसके बाद देखते हैं 11 11 क्या है, 11 11 जो नेम क्या, सोडियम, सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, Na सोडियम, क्यों, क्यों, अब देखिए यहां पे सोडियम राइट किया गया, जो S से स्टार्ट है इसका सिंबल क्या होगा Na, क्यों, क्योंकि जो सोडियम का जो लैटिन नेम है क्या नाइट्रियम, सोडियम का लैटिन नेम क्या है वो नाइट्रियम, नाइट्रियम यानी Na, नाइट्रियम, वही नाइट्रियम यहां पे उसकी उसी का जो है फर्स्ट टू लेटर जो है यहां पे राइट किया गया नाइट्रियम। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना होता है, ये एटॉमिक नंबर सोडियम कितना होता है 11 होता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, हम फर्स्ट सेल में मैक्सिमम यहां पे हम 2 इलेक्ट्रॉन राइट करेंगे, और उसके बाद जो सेकंड सेल L सेल है उसमें हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन राइट कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन राइट कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन राइट कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं आप 8 और 2 कितना हो गया 10, हिस 1 की कमी है, तो 1 जो है आपका M सेल में आ जाएगा, 1 जो है आपका M सेल में आ जाएगा, बताते हैं कि L सेल जब कंप्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है M सेल में जो है पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 and 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 8 2 होगा, क्योंकि 2 8 10 हो जाएगा, बचेगा 2 2 हो जाएगा M सेल में, ये M सेल में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 13 एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, एल मींस एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8, और कितना बचेगा 2 8 हो गया 10, कितना बच रहा है 13 में भी 10 हुआ है, 3 बच रहा है, 3 किस में आ जाएगा यंग सेल में, और आप जानते हो कि यंग सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 होते हैं, ठीक है, यंग सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक। आइए उसके बाद नेक्स्ट 14, तो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और क्या है सिलिकॉन, 14 है सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल Si होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा 14 होगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 और 4, इस तरह से पढ़ना है, इसमें कोई आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ आप देखते रहिए कि यह सेल कंप्लीट हो गया यह सेल में, यह सेल कंप्लीट हो गया यह सेल में, यह सेल कंप्लीट हो जाएगा तो आप यह सेल में जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं 15,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद क्या आता है? फास्फोरस। क्या आता है? फास्फोरस। फास्फोरस और जो फास्फोरस का जो फास्फोरस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? पी होता है। क्या होता है? पी होता है। और इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। 15 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8 and 5 क्या हो गया? 15। ये फास्फोरस। नेक्स्ट है 16 क्या होगा? सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। सल्फर 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 क्या होगा? तो सल्फर का सिंबल क्या होगा? यस होगा। सल्फर का सिंबल क्या होगा? यस होगा। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 16 होगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 16 होगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 8 and 6 8, 2, 10 और 6 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये सल्फर का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो 17, उसके बाद 17 क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन बार बार आपको मिलता है। क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल Cl, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 7 2, 8, 7 ठीक है। आप ये आप देखिए एक एक इसमें है क्योंकि एस से अधिक हम नहीं ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो है बढ़ रहे हैं, ये जो है क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। आइए उसके बाद जो है देख एक्टिन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। एक्टिन का क्या है? आर्गन, ए आर। सिंबल क्या है? ए आर। और एटॉमिक नंबर कितना है? 18। तो क्या हो जाएगा? 2, 8 and 8 क्या हो गया? 2, 8, 8 (8, 2, 10) and 8, 18 हो गया। ये हो गया क्या? आर्गन हो गया। क्या हो गया? आर्गन। अब उसके बाद आएगा 19, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन के बाद क्या आएगा? पोटेशियम। क्या आएगा? पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होगा? के। एटॉमिक नंबर क्या होगा? 19। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8 and 8 और क्या हो जाएगा इसमें? इस सेल में आ जाएगा, यंग सेल में 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है ये। अभी आपको क्या लग रहा था कि यहाँ पे होगा 2, 8 and 9 आपको क्या लगा यहाँ पे क्या होगा? 2, 8, 9 होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2, 8, 9 नहीं होगा। अभी 2, 8, 9 यहाँ पे क्यों नहीं होगा? ये जो है आपको हायर क्लास में बताया जाएगा, ये आपके अभी लेवल में नहीं है, ये आपके क्लास में अभी ये नहीं है कि कौन जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। जबकि हम जानते हैं कि थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं, ये 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे अभी ये चीज नहीं कम्प्लीट हुआ, एज तक ही है। तो हम यहाँ पे उसके बाद इसमें आ गए यंग सेल में कि अभी यंग सेल नहीं कम्प्लीट हुआ है, यंग सेल में मैक्सिमम 18 होते हैं, यंग सेल नहीं कम्प्लीट हुआ और हम यंग सेल में आ गए। क्यों ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा? ठीक है, ये आपके अभी कोर्स में नहीं है, ये आपके अभी लेवल में नहीं है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। 10th, 11th में आपको बताया जाएगा, क्लास 11th में आपको बताया जाएगा कि इनको मोरा अभी आपको सिर्फ 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको रख लेना है, चाहे आपको समझ लेना है। ठीक है, आइए उसके बाद 20 का देखते हैं। 20 में क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca। एटॉमिक नंबर कितना है? 20 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2, 8, 8, 2, 8, 2, 10, 8, 2, 10, 20 ये हो गया आपका 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आपको आपको 18 तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ 19 और 20 का क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये आपको जो है हायर क्लास में आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। आपको ये याद करना पड़ेगा, आपको ये 2, 8, 9 आपको नहीं राइट करना है पोटेशियम का, 2, 8 और 10 कैल्शियम का आपको नहीं राइट करना है।
अगर आप राइट कर दोगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ओके, अब हम आपको जो है नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप जो है रिवाइज करिए, अपने मन से आप बनाइए, राइट करिए, रीड करिए। ओके, थैंक यू।